बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट रशियन सैलड, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको हर घर में बहुत ही पसंद किया जाता है। इसको बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं सब। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाएं, सब घर वाले बहुत ही पसंद करेंगे। यकीन करें, आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का आपका ये रशियन सैलड तैयार होगा। अब हम ये तीन केले ले लेंगे, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और अब इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। आप भी इसको मेरे तरीके से इसी तरह बारीक बारीक काट लें। और अब इसमें केला मैंने काट लिया है और अब ये मैं अंगूर शामिल कर दूंगी। ये हमारे अंगूर जो हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, इसको मैं दरमियान में से दो दो पीस कर लूंगी इसके इस तरीके से। अगर आपके भी अंगूर के दाने बड़े हों तो आप भी उनको इस तरीके से दरमियान में से काट के छोटा कर सकते हैं। अब मैं सारे इसी तरह पीस जो हैं छोटे कर लूँगी और अब ये मैं इसमें सेब शामिल कर दूँगी। सेब के भी इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीस काट लूँगी। अब मैंने सेब सारे शामिल कर दिए हैं। अब मैं अनार के दाने शामिल कर दूँगी। ये मैंने काटे हुए से निकाले हुए अनार में से दाने, अब ये भी मैंने सारे शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मैं ये दो चम्मच मायोनेस जो है वो शामिल कर दूँगी। इससे मायोनेस से बहुत ही मज़े का सैलड तैयार होता है। आप भी जितना चाहें डाल सकते हैं अपने चीज़ों के हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से। और ये मैंने लिए है क्रीम, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपका जितना मटेरियल हो आप उसके हिसाब से क्रीम शामिल कर सकते हैं। क्रीम से रशियन सैलड बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आपने उसी टाइम खानी हो तो उसमें आप बेशक लेमन जूस ना डालें। अगर आपने बना के रशियन सैलड को एक दो घंटे के लिए रखना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। उससे आपकी जो सैलड है वो ब्लैक नहीं होगी, वो उसका बिल्कुल ओरिजिनल कलर रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी खूबसूरत। अब हमारा फ्रूट चाट रशियन सैलड तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।